मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। मैं ग्राम बड़ा दमाली, पोस्ट नान दमाली, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुरना, विकासखंड लखनपुर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरी रुचि चूँकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो अध्ययन अध्यापन में तो है ही, इसके साथ ही साहित्य और संगीत में भी मेरी काफ़ी रुचि है। और इसी रुचि ने मुझे कुछ साहित्य के क्षेत्र में कुछ लेखन कार्य के लिए प्रेरित किया, और मैं इस क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत हूँ और कर रहा हूँ। किस समुदाय से आए हैं? मैं कंवर जनजाति से बिलोंग करता हूँ। तो ये कंवर लोग कौन होते हैं और यहाँ सरगुजा में कहाँ कहाँ हैं ये? ये पूरे सरगुजे में मतलब पाए हैं, और ये जनजाति सरगुजा के अलावा इधर जसपुर जिला, रायगढ़ जिला और पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं कम मात्रा में, अधिकतर कंवर जनजाति अपने सरगुजा, जसपुर और रायगढ़, कोरिया, अपना ये जो सरगुजा क्षेत्र है, सरगुजा संभाग कहना चाहिए, इस क्षेत्र में बहुत आयत है। जी। तो क्या मुख्य रूप से क्या करते हैं ये कंवर? मुख्य रूप से इनका कृषि कार्य ही है जी, पारंपरिक रूप से ये कृषि कार्य ही करते हैं। और ऐसे कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति कुरु वंश से मानी जाती है जी। ऐसा किंवदंती तो सुनने में प्राप्त होता है कि इनकी उत्पत्ति जो है वो कौरव वंश से हुई है, हालांकि इसकी प्रामाणिकता नहीं है। तो प्रामाणिक रूप से तो नहीं कहा जा सकता, सिर्फ किंवदंती ही है। और ऐसा भी कहते हैं कि कुरुवंशी क्षत्रिय भी जो कंवर लोग हैं उनकी एक शाखा अपने आप को कुरुवंशी क्षत्रिय जी जी ये कंवर में कई कहना जो प्रजाति तो नहीं कहना चाहिए, मतलब विभक्त हैं। तो एक गोत्र तो है ही, उपजातियां जी उपजातियां ही कहना चाहिए। जैसे बड़ैला कंवर ये अपने आप को मतलब श्रेष्ठ मानते हैं, बाकी मतलब कंवर जनजाति के अंदर भी विभाजन है। जी जी बिल्कुल, अपने को ऊंचा नीचा मानते हैं। जी जी जैसे कि बड़ैला कंवर हैं, पैकरा कंवर हैं, राठिया कंवर हैं, ऐसे बटा हुआ है। तो इनमें से जो सबसे ऊंचे जो हैं वो बड़ैला कंवर माने जाते हैं, फिर उसके बाद पैकरा कंवर और राठिया कंवर को सबसे नीचे श्रेणी में रखा गया है। ऐसा जो कहानी जो है किंवदंती जो, वो क्या है? कुछ जो आप बता रहे थे ना कि अभी की जो कुरु वंश से उनकी उत्पत्ति का वो माना जाता है, तो संबंध में कोई छोटी मोटी कथा आती है जी? अब मैं उसके बारे में ज़्यादा विस्तृत रूप से तो नहीं बता सकता, लेकिन जैसा सुना हूँ कि महाभारत में जब पांडवों के द्वारा कौरव परास्त हुए, तो कौरवों की जो रानियाँ थीं, उन रानियों से जो संतानें उत्पन्न हुई, वही आगे चल के कंवर कहलाए। इसमें कुछ और भी आता है आगे, कोई और विस्तार है इसका? अब इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इस संबंध में। तो जैसे उरांव लोग हैं तो उनकी अपनी एक बोली है जी, तो गावट लोगों की भी कोई अपनी बोली होती है? जी नहीं, क्षेत्रीयता के अनुसार वो अपनी बोली, जैसे सरगुजा के रहने वाले सरगुजिया बोलते हैं। हाँ। और छत्तीसगढ़ी उधर होंगे वो लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, बस क्षेत्रीयता का प्रभाव है, उनकी एक अपनी बोली नहीं है जी। और जैसे यहाँ पे मैंने देखा सरगुजा में बहुत सारे आदिवासी या गैर आदिवासी जो समुदाय हैं उनके अंदर बहुत अलग अलग किस्म के कलाकर्म किए जाते हैं जी, तो क्या कंवर लोगों में भी इस प्रकार की कोई कलाकर्म की परंपरा है? कलाकर्म की परंपरा नहीं है कंवर जनजातियों में, जैसा देखने को मिलता है। तो फिर आप कंवर होते हुए कलाकारों में कैसे चले गए? बस रुचि ही मेरे को यहाँ तक खींच के ले आई। वैसे तो मैं कृषक परिवार से ही हूँ, लेकिन शिक्षा ग्रहण के साथ साथ मेरी रुचि साहित्य की ओर अनायास ही चली गई, और मैं हायर सेकेंडरी स्कूल तक पहुँचते पहुँचते कुछ लेखन कार्य शुरू कर दिया, कुछ छोटी मोटी रचनाएं कर लेता था, और यही रुचि मेरे को बहुत मतलब आगे तक ले जाने के लिए प्रेरित की। आप बता रहे थे कि उस समय गांव की जो कीर्तन मंडली थी जी, हाँ,
तो कीर्तन मंडली में हम लोग शुरू से ही जुड़े हुए थे, अक्सर गीत सुनते थे, जो और जो साथी लोग रहते थे या बुजुर्ग लोग कीर्तन मंडली में गीत गाते थे, तो उनको सुन सुन कर खुद से, मतलब या उनसे प्रेरित होकर कहना चाहिए, मैंने खुद कलम उठाई और मैंने छोटी मोटी रचनाएं शुरू कर दी कि मैं भी कुछ गीत अपने से मतलब बना के और गा सकता हूँ। तो इस तरह से धीरे धीरे और कंवर जनजाति के अपने भी कोई गीत होते हैं? जी नहीं, अपने गीत नहीं है, एक बायर होता है यहाँ सरगुजा में क्षेत्र में, वो ऐसा कहा जाता है मुख्य रूप से कंवर जनजाति का नृत्य है और गीत है, और ये महादेव बिहा के उपलक्ष में इस नृत्य को किया जाता है बायर। जी तो कंवर लोगों में इसकी बहुत लंबी परंपरा है। जी बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो ये कब मनाते हैं और कब करते हैं इसमें? ये इसको 3 साल में 5 साल में एक बार किया जाता है जी, शिव पार्वती के विवाह के रूप में। तो शिव पार्वती जनजाति कंवर की पूजा होती है उसमें? जी होती है, उसी को गवर बिहा कहते हैं। गवर बिहा, गवर बिहा मतलब गौरी का विवाह, महादेव पार्वती मतलब गौरी मतलब पार्वती। तो कंवर लोग ये पहले से महादेव पार्वती जी मनाते आ रहे हैं, ऐसी परंपरा है। और कर्मा का भी इसमें परंपरा है कंवर जाति में? जी कर्मा तो चूंकि समझिए कि ये पूरे आदिवासी पूरे आदिवासियों का लोक पर्व है, तो कंवर जनजाति भी इससे अछूता नहीं है। तो कंवर भी कर्मा मनाते? जी बिल्कुल मनाते हैं। कर्मा और बायर का कोई आपस में संबंध है क्या? जी नहीं संबंध, सिर्फ लोक पर्व है और इस पर्व में लोक नृत्य जो नृत्य होते हैं वही हैं, समय भी अलग अलग है। ये कर्मा जो है आपका मुख्य रूप से भादो महीने भाद्रपद का जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है जिसको रायस कर्मा कहा जाता है, मुख्य रूप से कर्मा वही है। ये रायस क्या होता है? रायस मतलब इसके 2-3 ठो अर्थ होते हैं। रायस मतलब श्रेष्ठ होता है एक तो, और एक रायस होता है जो समृद्धि, समृद्धि तो समृद्धि से संबंधित है जो रायस कर्मा है। जी तो कर्मा क्या होता है थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी कर्मा देखिए जनजातियों का सबसे, अगर हम सरगुजा संभाग की बात करें तो सरगुजा अंचल का सबसे बड़ा लोक पर्व है कर्मा, और ये यह पर्व जो है वो बहुत पहले से चली आ रही है। कर्मा मुख्य रूप से जैसा सुनने में आया है, जैसे कर्मा की जो कहानी होती है वो बहुत लंबी कहानी है, और पूरी कहानी को अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो उसमें पाते हैं कि कर्म देवता अर्थात भाग्य, भाग्य का जो देवता है उसकी सेवा की जाती है कर्मा पर्व पर। तो ऐसा बताते हैं कोई कर्मा का पेड़ भी होता है? जी जी एक जंगल में हल्दू पेड़ होता है जो जिसकी लकड़ी पीले पीले रंग की होती है, तो ऐसा माना जाता है कि कर्म देवता का वास उसी पेड़ पर होता है, और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को उसी की डाल को लाकर गांव के जो मुखिया होते हैं पटेल होते हैं उन्हीं के आंगन में उसको विधिवत स्थापित किया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है, रात भर उन नाच गाकर उनकी सेवा की जाती है। तो ये जो नाचते हैं गाते हैं जी, तो ये जो गाने होते हैं तो ये कहाँ से आते हैं गाने, मतलब ये जी ये इसको ये पारंपरिक रूप से चली आ रही है, ये जो पुराने गाने हैं वो अलिखित हैं वर्तमान में भी, और अब जो गाने बनते हैं वो तो सिर्फ आधुनिक कहना चाहिए, और वो बस ट्रेडिशनल ही है, पारंपरिक है और चली आ रही है। पारंपरिक कर्मा का त्यौहार मनाते हैं जी, नए कर्मा के गाने गाते हैं या पुराने वाले गाते? नए कर्मा के भी गीत गाते हैं, पुराने भी गाते हैं। अब आजकल क्या है कि आधुनिक लोग होते जा रहे हैं, पुरानी चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं, वास्तव में ये बहुत संकट की स्थिति है, लेकिन उनको बचा के रखना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। और ये जो अभी आप कह रहे थे कि पुराने गाने थे वो अलिखित थे जी, फिर बाद में लेखन का, कोई कब से लेखन का कार्यक्रम शुरू हुआ? जब धीरे धीरे लोग इसकी महत्व को समझने लगे हैं कि ये हमारी जो लोक संस्कृति है इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है, तो उसको अब धीरे धीरे लोग समझ बूझ रहे हैं, तो अब उसको संग्रहित कर रहे हैं, तो ये अच्छी अच्छा पहल है। लिखने का काम कब से शुरू हुआ, कौन से सन से शुरू हुआ? किन
कर्मा के जो आप कह रहे थे कि अलिखित गीत पहले होते थे जी, और बाद में अभी लिखे जाने भी लगे जी, कब से लिखे जाने लगे? अब इस पर देखिए ज़्यादा काम तो नहीं हुए हैं, फिर भी 8-10-15 साल से जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं जो लोग, वो लोग धीरे धीरे संग्रह कर रहे हैं ऐसे गीतों का, और कहीं कहीं प्रकाशित भी हुई हैं कुछ कुछ पुस्तकें। तो आपने भी तो कुछ आधुनिक कर्मा गीत लिखे? जी जी, मैंने बहुत सारे कर्मा गीत लिखे हैं, लेकिन उसको मैं ठेठ या पारंपरिक नहीं कहूँगा। क्या है कि जो पुराने गाने हैं, पारंपरिक गीत हैं, वो क्षेत्रीयता के आधार पर हैं और ठेठ हैं, तो उन गीतों को उसी क्षेत्र के रहने वाले लोग समझ पाएंगे। और वर्तमान समय में जो गीत लिखे जा रहे हैं, वो हम जैसे मैं गीत लिखता हूँ, तो मेरा प्रयास यह रहता है कि सिर्फ सरगुजा ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ के लोग कम से कम उस गीत को समझें। तो ऐसे शब्द रखूँ उन गीतों में जो सभी के समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए। जी, अर्थ ठेठ मतलब पारंपरिक बोली, जैसे जैसे बोली का जो परिष्कृत रूप भाषा होता है, तो समझ लीजिए कि वो बोली है ठेठ। अब उसको कैसे कहूँ? आपकी बात समझ में आ रही है, आप बताएं। जी जी जी, मूल वो है आपका, जो आपकी आपकी समझ भी बिल्कुल, वो जो है केवल क्षेत्रीय। जी जी, क्षेत्रीय वही लोग समझ सकते हैं, स्थानीय स्थानीय। जी, इसका कुछ विषय में भी कुछ अंतर करते हो क्या? मतलब जैसे अगर ये बोली स्थानीय है तो मुद्दे भी स्थानीय होते हैं, देवी देवता भी स्थानीय। जी होते हैं। जी, तो जब आप इसको एक विस्तृत रूप में लाते हो तो उसमें क्या सोच कर लाते हो? देखिए, जैसे हम कर्मा के ऊपर कोई गीत लिख रहे हैं, तो एक सीमा है, कर्मा से संबंधित चीज़ों को ही हम उसमें शामिल कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। तो सिर्फ उसको जिस समझ में आने के लिए कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग हम करते हैं जो बाहर के लोग भी उसको समझ सकें। जैसे कि मैंने अभी जो 2018 के शुरू में ही, ये 31 दिसंबर 2017 को ये राजनांद गांव में एक आयोजन हुआ था जम्बूरी का, स्काउट गाइड का जो जम्बूरी कार्यक्रम होता है, उसमें उसमें मेरा एक गीत था, कर्मा कुहू की गाबो मांदर के ताल मा। उस गीत पर 26,000 कैडेट्स एक साथ नृत्य किए, उसमें छत्तीसगढ़ के अलावा और दूसरे देश भूटान वगैरह से भी आए हुए थे, और एक ऐसा रहा कि ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। तो उस गीत में मैंने यही प्रयास किया था कि शब्द ऐसे रखूं जो लगभग सभी को समझ में आ जाए, और पूरे छत्तीसगढ़ देश, पूरे राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, तो सब छत्तीसगढ़ के सभी जगह से लोग आए हुए थे और उस गीत को समझे, उस पर नृत्य किए। तो यही चीज़ है, और अगर क्षेत्रीयता सिर्फ सरगुजिया रहता तो शायद नहीं समझ पाते उस चीज़ को कि इसमें क्या है, क्योंकि ये कौन लोग हैं जो लिख रहे हैं इस तरीके से पारंपरिक गीतों को आधुनिक या समकालीन परिप्रेक्ष्य में? हैं कोई और लिखने वाले कोई लिख रहे हैं? जी, वैसे हमारे सरगुजा में ही। हाँ, सरगुजा में या छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हैं जो छत्तीसगढ़ी गीतों के माध्यम से यहाँ के लोक संस्कृति को बचाए हुए हैं, जैसे लक्ष्मण मस्तूरिया जी हैं, रामेश्वर वैष्णव जी हैं, पीसी लाल यादव जी, और आपके मिथिलेश साहू जी हैं, ये सब बहुत काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। तो मतलब आप मुख्य रूप से ये मानते हो कि जो पारंपरिक कर्मा गीत हैं और जो आधुनिक कर्मा गीत हैं, उनमें भाषा का सबसे बड़ा आप मानते हो कि रोल है? जी, भाषा का रोल, भाषा जो है वो आप उसको उससे ज़्यादा उनमें फ़र्क है। जी जी जी, इसके अलावा और भी कोई अंतर है? और भी, जैसे कि अब आजकल जो, जैसे आजकल रिकॉर्डिंग का ज़माना है, तो हम रिकॉर्डिंग कराते हैं तो वाद्य यंत्र जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आधुनिक भी अब उपयोग होने लगते हैं। लेकिन अगर ठेठ हम गांव में चले जाएं जहां पर वास्तविक कर्मा होता है, तो वहां के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं वही बजेंगे, और नृत्य भी वैसे ही होगा।
लेकिन अब आधुनिकता जब आ गई है तो आधुनिक तो क्या है कि गाने वाले का जो लय सुर ताल है वो भी उतना नहीं मतलब मिल पाता उससे, वो अलग ही हो जाता है। तो ये दो में मुख्य जी बताइए, आप उधर से पूछ लीजिए, ये कर्मा गीत में जो ये कर्मा की कहानी है जी, और ये कर्म के बारे में है जी, तो इसका थीम जो है, अगर कर्मा का भी ना हो मगर थीम जो है वो कर्म के ऊपर है जी, जो मिलते हैं ऐसा है। देखिए हाँ ठीक है, मैं अगर हम सरगुजा अंचल के कर्मा की बात करें, अब कर्मा पूरे छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के कुछ ज़िलों में, उत्तर प्रदेश के भी कुछ ज़िलों में मनाई जाती है। अगर हम सिर्फ सरगुजा अंचल की ही बात करें तो यहाँ पर जो कर्मा होता है ये कर्म देवता से संबंधित, कर्म मतलब भाग्य। छत्तीसगढ़ में और भी कई किंवदंतियाँ, जैसे करम सेन राजा थे, उनके ऊपर विपत्ति आई तो उन्होंने ईश्वर को मतलब प्रसन्न करने के लिए रात भर नृत्य किया, तो उनके याद में मतलब वो किया जाता है। करम सेनी देवी का भी बताया जाता है किंवदंती में। एक रांची क्षेत्र में जो कर्म होता है वहाँ कर्मा और धर्मा नाम के दो भाई थे, एक ने कर्म का महत्व बताया, एक ने धर्म का, तो कर्म, तो इस तरह से कई किंवदंतियाँ हैं। सिर्फ सरगुजा अंचल में जो कहानी कही जाती है कर्मा का, उस कहानी को अगर पूरा आप सुनेंगे तो उसमें भाग्य देवता को मतलब कर्म देवता कहा गया है, और कि हमारा भाई कर्म तो हम अच्छे करें लेकिन हम साथ साथ हमारा जो भाग्य है वो हमारा साथ दे। इसको थोड़ा सा जैसे फिर इस भाव को जो है कि हम कर्म ऐसे करें कि हमारा भाग्य अच्छा बना रहे जी, अगर इस भाव को लें तो इसको आप फिर आप जो जो परिवर्तन अलग तरीके से आधुनिक तरीके से जो लिखते हैं उसमें भाव अलग लाते हैं कि कहानी अलग होती है कि उसका विषय क्या बनता है जी, नहीं कैसे जुड़ता है कि क्या नहीं जुड़ता है जी जी नहीं, हम लोग के गीत में जो अभी जो हम गीत बना रहे हैं या जो भी गीत लिखते हैं उसमें कहानी का कोई लेना देना नहीं होता है। कहानी वो यथावत है, उसमें हम छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि वो परंपरा चली आ रही है। गीत में हमारे सिर्फ एक मनोरंजन की दृष्टि से बनाया जाता है कि कर्मा का माहौल क्या होता है, कैसे हमको नृत्य, हम कैसे नृत्य करते हैं, कैसे आनंद प्राप्त करते हैं, ये विषय होता है। हम कहानी के साथ या उसकी मौलिकता के साथ छेड़छाड़। और मैंने वैसे भी ये सुना है कि कहानी और गीत दोनों अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग है। कहानी पहले सुनाई जाती है उसके बाद में उसके बाद गीत शुरू होता है। गीतों में तो कोई कहानी आती जी जी बिल्कुल कहानी नहीं आती है, कहानी एक अलग ही चीज है। जैसे कि अपने हिंदू धर्म में जैसे सत्यनारायण जी का कथा सुनते हैं वैसे ही कर्म देवता का कथा सुनते हैं, वो एक अलग विषय है। उसके बाद अपना मनाने के लिए कई कीर्तन भजन भी करते हैं, तो उसी तरह से कर्म देवता को मनाने के लिए, रिझाने के लिए हम लोग नृत्य गीत करते हैं। ऐसे कहते हैं जो बायर है वो देवताओं को रिझाने के उसमें गाने गाए जाते हैं जी, उनकी उनके प्रभाव करते हैं, उनकी पायल आगे करते हैं और वो उस गानों में आता है। तो कर्मा के गानों का विषय क्या है? कर्मा के गानों का विषय कर्म देवता, देखिए अब कर्म देवता की सबसे पहले सुमरन किया जाता है, उसके बाद फिर आनंद और मनोरंजन के लिए श्रृंगार रस का उसमें ज़्यादा वो रहता है। तो किसके बारे के सीजन्स के मतलब ऋतुओं के बारे में होता है कि कुछ या तो वो लड़के लड़कियों जी, वो बस आनंद और मनोरंजन के लिए ही होते हैं, ऋतुओं से उसका जी ऋतुओं से लेना देना नहीं है उसका। युवक युवतियों के संबंध का लेना देना जी, मतलब जो लड़के लड़के हैं उनके संबंध का लेना देना जी, वैसे भी कुछ गीत बनते हैं और भगवान वो सबको लेते हुए भी बनते हैं। मतलब उसका कोई विषय जी विषय जी जी स्थिर नहीं है जी जी, कहानी से कोई संबंध नहीं है उसका, कहानी एक अलग ही है। तो आपको क्या लग रहा है ये पारंपरिक कर्मा गीत और जो जो आधुनिक कर्मा गीत हैं इनका क्या भविष्य लग रहा है आपको? ये भविष्य इसका चिंताजनक है। आधुनिकता में आजकल लोग मतलब इतने आगे बढ़ जा रहे हैं कि जो पारंपरिक या सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है उसको लोग भूलते जा रहे हैं। बहुत आवश्यक है कि इसका संरक्षण किया जाए ताकि आगे की पीढ़ी इससे जुड़े रहें और इसको जान पाएं कि इसका महत्व क्या है और इस पर
उतना काम नहीं हो रहा है जिस स्तर पर होना चाहिए। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, पारंपरिक गीत है, इसकी समझ अभी नई पीढ़ी को है या नहीं है? अब उतनी समझ तो नहीं है, बिल्कुल समझ नहीं है। हाँ, उसमें जो विषय होते हैं जी, उनको वो गलत से लेते हैं या सही से लेते हैं, मतलब वो ऐसा कुछ होता है? अब देखिए, अब जब हम आधुनिकता की बात करते हैं, आधुनिक, जैसे हम लोग आधुनिक होते जा रहे हैं, तो अब जैसे हमारे ही अभी जो पुराने, हम दादाजी नानाजी, अब वो लोग पुराने ख्यालात के हो गए, ऐसे बोल देते हैं। अगर वो कुछ बोले तो नहीं, इनका विचारधारा जो है वो पुराने ख्यालात के हैं, हम आधुनिक हो गए हैं, तो हमें अपने हिसाब से चलना है, ऐसा जो काडी कह रही है उसमें दूसरा अर्थ है। अच्छा, इनका अर्थ ये है कि जो गानों में जो कथा, या कथा तो है नहीं जी, लेकिन जो भावार्थ होता है जी, तो नई पीढ़ी के लोग क्या उसको उस संदर्भ में समझ पाते हैं जैसे जो पुराने समय में उसके संदर्भ को लोग समझते थे, उस भाषा को लोग समझते थे जी? अब उसको, अब उस क्षेत्र से जुड़े हैं, भाषा को समझते हैं, तो निश्चित रूप से समझ ही पाते हैं जी। जी ठीक है विजय, बहुत बहुत जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।